नमस्ते भारत, भारत न्यूज़ 24। और आज हम लोग पटना कॉन्वेंट में हैं और पटना कॉन्वेंट में देखिए कि यहाँ पर फैसिलेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया है और पटना कॉन्वेंट के टॉपर से स्टूडेंट्स जो यहाँ समझे कि 85% जो ऊपर स्टूडेंट जो है उनको यहाँ पे बुलाया गया और उनको फैसिलेशन किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, किस तरह से पढ़ाई की, कितने परसेंट मार्क्स आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरभ कुमार है और मेरा 96.4% नंबर आया है। कितने घंटा पढ़ाई करते? वैसे तो एग्ज़ाम के लास्ट तक मैंने 10 घंटे पढ़ाई करते थे रोज़, और एग्ज़ाम के और क्लास के अंदर शुरुआती फेज में लगभग वही 7 से 8 घंटे पढ़ाई करते थे। चले आएंगे, क्या करना है फ्यूचर में? आगे चेंज करना है। अब बताइए क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम अस्मिता आर्य है। ओके, कितने परसेंट मार्क्स आपका है? मेरा 96% मार्क्स आया है। 96। क्या आगे फ्यूचर में क्या करना है? मेरा वही IIT JEE प्रिपरेशन करना है, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग लाइन। ओके, इंजीनियरिंग करना। कौन सा ब्रांच है? CS। चलिए, कैसा पढ़ाई होता है पटना कॉन्वेंट स्कूल में? बहुत बढ़िया पढ़ाई होता है और वो भी एकदम अफोर्डेबल फीस में, और यदि आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो एकदम सही जगह है। चलिए सीधा यहाँ देखिए कि पटना कॉन्वेंट जो है एक ऐसा स्कूल है जहाँ समझिए कि CBSE एक्रेडिटेड स्कूल है, और इन लोग समझिए कि 96% और 94% मार्क्स आए। इनका सीधा कहना है कि यहाँ पे अफोर्डेबल फीस में पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छा, और यह फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहते हैं और अभी से यह मेहनत कर रहे हैं। तमाम ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ 24। कुमार रोशन सिंह चाहते हैं कि आप शेयर करें तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू अस्मित कुमार। मेरा नाम अस्मित आर्य है और मैं अभी 10th पास किया हूँ और 11th में इंटर किया हूँ। मैंने स्कूल में बस टीचर पे फोकस किया, टीचर क्या बोल रहे हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता करने जा रहा है, उस पर मैंने फोकस किया और बस उसको अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करने का कोशिश किया। मैंने कभी भी कॉन्सेप्ट्स के पीछे में भागा, बस जो प्रॉब्लम्स हुआ उसका मैंने सामना किया, और मेरा आने का गोल बस वही 11th क्लास 12th क्लास, उसके बाद फिर JEE देना। JEE का प्रिपरेशन अभी कर रहा हूँ और इंजीनियरिंग लाइन। थैंक्स, थैंक यू अस्मित आर्य, आपका जीवन सुखमय हो, आपका जो लक्ष्य है वो आप प्राप्त करें, ऐसा हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जो गोल है वो सफल हो। यहाँ पे साधना कुमारी बैठी है, बैंक से गुजारी। थैंक यू सो मच all of you, and I have my dream to crack JEE, and उसके बाद मैं BTech करना चाहती हूँ। I'm very happy today for being honored by my school. I know what's to say. For my juniors, I have one thing to say, that make big goals, as अगर आपके पास बड़े goals नहीं होंगे तो आपको कुछ बड़ा करने का मन भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले बात तो यही बोलूँगी कि आप लोग बड़ा goals बनाए, and then follow your dreams. Thank you. रखें सपना, बड़ा देखें, सपना देखने में कोई गुनाह तो है नहीं, हम लोग क्यों नहीं बड़े बड़े सपने देखें, और जब सपने देखेंगे तो सिर्फ सपना देखना नहीं है, जब सपना देख के सुबह होगा
तो सपना के बारे में सोचेंगे कि सपना को साकार कैसे करना है। सपोज कीजिए हम सपना देखें कि दिल्ली जाना है, दिल्ली चले नहीं गए, सुबह उठेंगे और यह दिमाग यह लगाएंगे कि कौन सी गाड़ी जाती है दिल्ली, कौन सबसे तेज जाएगी, किससे हम सबसे पहले पहुंचेंगे, किस में जाएंगे तो हमें गर्मी कम लगेगी, ये सोच के टिकट बनाएंगे। सपना देखेंगे तब तो टिकट बनाएंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू जिया कुमारी को, उनकी मम्मी और पापा भी यहाँ हैं, उनको भी विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अभी आप हम लोग के सामने एक बात रखी कि हमें अपना काम करना है। डर लग रहा था परीक्षा से, करने से डर हटेगा क्या? सामने में अगर बिल्ली आई है, बिल्ली से डर लग रहा है, तो क्या बिल्ली डर लगने से हट जाएगी? सामने में अगर कोई शेर आ गया है तो हमको डर लग रहा है तो क्या डर लगने से हट जाएगा? कोई प्रश्न बहुत हार्ड लग रहे हैं तो क्या उससे डर लगने से प्रश्न हल हो जाएंगे? होगी नहीं। ये कह रही है कि डर तो लग रहा था लेकिन मैंने उस डर को भगाने के लिए परिश्रम किया। उस तरह के प्रश्न जो हमें परेशान कर रहे थे मैंने उसे बार बार अभ्यास किया, अपने गुरु से सहयोग लिया और उस तरह के प्रश्न को हल करके एक साथ ट्वेल्थ में इतना अच्छा प्रदर्शन करना और साथ में जो 17-18 लाख के बच्चे रहते हैं नीट में, वो शायद इंडिया का सबसे टफ एग्जाम है, टफ एग्जामों में से एक है, उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त करना मुश्किल तो है। और इन्होंने उस सफलता को प्राप्त करके अभी हम लोगों के बात के बीच ये रखी कि परिश्रम यदि हम करते हैं, मेरा लक्ष्य यदि सही है, हम सही डायरेक्शन में काम करते हैं, जो मेरे पास सात समस्याएं हैं उन समस्याओं को अगर सही ढंग से हम हल करते रहते हैं तो दुनिया का कोई भी एग्जाम में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और हम सभी परिवार, विद्यालय परिवार, इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। और साथ में यहाँ जो अन्य होनहार जो बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह भी करना चाहता हूँ कि आने वाले जो समय है जिसमें आप आगे की जो पढ़ाई करेंगे उसमें आप तन्मयता ढंग से आप काम करें, जो भी आपके सामने प्रश्न रखे जाते हैं उनको हल करने का प्रयास करें और अच्छा नंबर्स हमी के बीच के विद्यार्थियों से आता है। वैसे विद्यार्थी जो बिल्कुल लगन के साथ परिश्रम करते हैं सफलता उनसे दूर नहीं होती है। यहाँ पे अन्य विद्यार्थी भी उपस्थित हैं, मंच पे आसी एक विद्यार्थी है जिया कुमारी, ट्वेल्थ में ना सिर्फ इन्होंने स्कूल में टॉप करके अपना नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का रोशन नाम किया है, विद्यालय का भी नाम इन्होंने रोशन किया है, बल्कि इनके साथ एक दूसरा अचीवमेंट भी जुड़ा हुआ है कि जो 14 लाख और 18 लाख बच्चे जो नीट के एग्जाम देते हैं उसमें माता पिता और साथ में लोगों का ध्यान लगा रहता है। इस तरह की परीक्षा में बच्चे सफल होंगे नहीं होंगे, और इन्होंने ना सिर्फ सफलता प्राप्त की है बल्कि 720 नंबर में
670 नंबर इनका नीति में आने जा रहा है। एक मंच पे आसीन है। इस तरह से आपके सामने ना सिर्फ एक विद्यालय की एक साधारण सी बच्ची बल्कि एक डॉक्टर के रूप में MBBS छात्रा के रूप में यहाँ बैठी है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे अपना अनुभव हम लोगों के बीच शेयर करें, कैसे उन्होंने 12th का एग्जाम की तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे इतना अच्छा नंबर प्राप्त की। मैं जिया कुमारी को 2 मिनट के लिए आमंत्रित करता हूँ। जिया कुमारी प्लीज आप यहाँ आए और प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर।